गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे चैप्टर लेसन नंबर 9 लाइट एंड टॉपिक रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल लेंस। स्फेरिकल लेंस में रिफ्रैक्शन अपन स्टडी करेंगे। रिफ्रैक्शन का मीन्स है जब लाइट रे क्या करती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एक्सचेंज हो जाती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम को क्रॉस कर जाती है, वहां रिफ्रैक्शन होता है। तो अपन ने रिफ्रैक्शन ग्लास स्लैब में देखा था, जब रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर कर रही थी तो नॉर्मल की साइड में उसमें बैंड हुआ था, और जब डेंसर से रेयरर मीडियम में एंटर कर रही थी तो उसमें अपन ने देखा था कि रे क्या हो रही थी, नॉर्मल से फार हट, नॉर्मल से दूर हट रही थी। तो रिफ्लेक्शन के टू लोअर्स थे। अब रिफ्लेक्शन इसमें स्टडी करें स्फेरिकल लेंस, क्योंकि स्फेयर का ही पार्ट होता है, इसलिए इनको स्फेरिकल लेंस कहते हैं अपन। ऐसे ही मिरर भी एक स्फेयर का ही पार्ट है, इसलिए इनको स्फेरिकल मिरर अपन ने कहा था। अब स्फेरिकल लेंस, अब लेंस की डेफिनेशन लें, लेंस एक ऐसा मीडियम होता है, ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है जिसमें डबल स्फेरिकल सरफेस होती है। देखिए जैसे ये कॉन्वेक्स लेंस है, इसमें देखिए जो इसकी दोनों सरफेस कैसी है, ट्रांसपेरेंट, इसमें रे आर पार जा सकती है, और साथ में डबल स्फेरिकल लेयर की एक तो ये होगी एक ही, जो डैश लाइन मैंने ड्रॉ करी है, जैसे ये कॉन्वेक्स हो गया, एक लेयर तो ये होगी स्फेरिकल लेयर और एक स्फेरिकल लेयर ये होगी। दोनों लेयर कौन सी मिल रही सर, ये लाइन डॉट डॉट वाली लाइन क्या कर रही है, सेपरेट कर रही है। देखिए एक ये स्फेरिकल लेयर है और एक ये स्फेरिकल लेयर है, इसलिए इसको डबल स्फेरिकल लेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डबल स्फेरिकल लेंस। तो एक ही स्क्वायर होगी और ये एक ही स्क्वायर होगी, तो क्या हो जाता है, साथ में ये जो लेंस है ये ट्रांसपेरेंट है, कैसे ट्रांसपेरेंट, इसमें रे आर पार जा सकती है। तो क्या हो जाएगा, ए लेंस इज ए पोर्शन, लेंस का जो पोर्शन होता है ऑफ ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट होता है लेंस, आर पार इससे भी जा सकती है। रिफ्रैक्टिंग मीडियम बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल सरफेस, एक ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग सरफेस होती है जो बाउंडेड होती है, जुड़ी हुई रहती है टू स्फेरिकल सरफेस, जैसे ये फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस होगी, ये सेकंड स्फेरिकल सरफेस होगी, तो दो स्फेरिकल सरफेस से बाउंडेड रहते हैं, उन्हीं को लेंस अपन कहते हैं। ये तो कॉन्वेक्स में देखा अपन है, ऐसे कॉनकेव में आप देख सकते हैं, एक स्फेरिकल लेयर तो ये होगी, एक स्फेरिकल लेयर ये होगी, तो ये दोनों स्फेरिकल लेयर बाउंडेड रहती है, जिसको ये सेपरेट करती है वाली लाइन। देखिए स्फेरिकल लेयर ये होगी, ये फर्स्ट, ये सेकंड होगी, तो डबल स्फेरिकल लेयर क्या है, बाउंडेड है, अटैच है, जुड़ी हुई है, और ये मीडियम कैसा है, दोनों लेंस का ट्रांसपेरेंट, कैसा है ट्रांसपेरेंट, जिसमें रे आर पार जा सकती है। तो ये लेंस की डेफिनेशन है, ए लेंस इज ए पोर्शन और ट्रांसपेरेंट, जो लेंस है वो एक ऐसा पोर्शन होता है जो कि ट्रांसपेरेंट होता है, दोनों ट्रांसपेरेंट है। रिफ्रैक्टिंग मीडियम, रिफ्रैक्टिंग मीडियम का मीन्स है जिसमें रे उस मीडियम को एक्सचेंज कर सके, उस मीडियम को चेंज कर सके, क्रॉस कर सके। बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल सरफेस, दो स्फेरिकल सरफेस से बाउंडेड होता है, जुड़ा हुआ रहता है, स्फेरिकल लेंस कहलाता है। अब स्फेरिकल लेंस के टाइप देखें, टाइप्स ऑफ लेंस दो टाइप के होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। ये कॉन्वेक्स लेंस है और ये जो है ये कॉनकेव लेंस है। दोनों बिटवीन डिफरेंस क्या है, कॉन्वेक्स लेंस जो होता है मिरर से तो कैसा होता है, ठीक होता है, ठीक मीन्स मोटा, जो कॉन्वेक्स लेंस है बीच में से मिड पार्ट से क्या होता है, ठीक होता है, बल्बर पार्ट होता है, उभरा हुआ होता है। जब आप मैग्नीफाइंग ग्लास होता है इस टाइप का, आपने देखा होगा, उसको फील किया होगा, जैसे ये मैग्नीफाइंग ग्लास है, ज्वेलर शॉप वगैरह में मिल जाता है, तो इस वाला पार्ट का आप देखेंगे तो इस टाइप से बल्गिंग पार्ट उभरा हुआ, जैसे अपने आईज वाला ये जो लेंस है ये भी कॉन्वेक्स लेंस है, ये बल्गिंग पार्ट उभरा हुआ है जो कि मिड से थिक है और एजेस से थिन है। मेरे ख्याल से आपने देखा होगा, आईज में देख लीजिए या ऐसा मैग्नीफाइंग लेंस देख लीजिए, इसमें भी ये कॉन्वेक्स लेंस ही होता है क्योंकि मिड से थिक और एजेस किनारे से पतला होता है। देखिए मिड से तो थिक है और एजेस किनारे से थिन है, तो ये कॉन्वेक्स लेंस होता है। और कॉन्केव लेंस ये क्या होता है, मिड से तो थिन होते हैं, पतले होते हैं बीच से, और एजेस वाले पार्ट से, किनारे वाले पार्ट से कैसे होते हैं, थिक होते हैं, मोटे होते हैं, इनको कौन से लेंस कहते हैं, कॉन्केव लेंस। जिसको शॉर्ट साइट लेंस होता है वो क्या होता है, उनके जो शॉर्ट साइट लेंस डिफेक्ट को दूर करने के लिए उनके जो
चश्मा होता है उसमें कॉन्केव लेंस ही होता है, इसका लूज हो तो आप उस लेंस को निकाल के देखेंगे तो बीच से बिल्कुल पतला नजर आएगा इस टाइप से, किनारे से मोटा है इस टाइप से देखेंगे, यहाँ से तो मोटा बीच से पतला, तो ये कॉन्केव लेंस है। तो सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंस, इसको कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, इसको कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं और इसको डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। कन्वर्ज का मीन्स इकट्ठा करना एक पॉइंट पे, तो ये देखो कन्वर्ज करता है। ऐसा एग्जांपल आप मैग्नीफाइंग ग्लास में देखा होगा कि आपने कभी लाइट लेंस को इकट्ठा करा होगा सनशाइन में और पेपर जलाया होगा, याद है आपको एक पॉइंट पे इकट्ठा करके रेंज को, और आप पेपर बर्न किया था तो ये रेंज को कन्वर्ज कर रहा था, इकट्ठा कर रहा था एक पॉइंट पे। मेरे ख्याल से ये एग्जाम्पल आपका किया हुआ है, प्रैक्टिकल किया हुआ है, देखा होगा, तो ये रेंज को कन्वर्ज करता है एक पॉइंट पे इकट्ठा करता है, इसको इसलिए कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कन्वर्जिंग लेंस। साथ में ये जो लेंस है ये डाइवर्ज करता है, रेंज को क्या करता है? डाइवर्ज करता है, फैलाता है, इसलिए इसको डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। इसकी पिक्चर में आगे ड्रॉ करूंगा। तो सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंस की डेफिनेशन राइट कर रहे हैं, कन्वर्जिंग लेंस ए लेंस विच इज थिकर इन द मिडिल, जो बीच से क्या है ठीक है, देखिए मिड पार्ट से लेंस है, बल्डिंग पार्ट उभरा हुआ है, मोटा है ठीक है, तो मिड पार्ट से थिक है एंड थिनर, थिनर मीन्स पतला, थिनर मीन्स पतला और थिकर मीन्स मोटा, थिनर एंड द एजेस, एजेस मीन्स किनारे, किनारे वाले पार्ट से उनके जो छोर होता है किनारा होता है उससे क्या होता है ये थिनर होता है, पार्ट कॉन्वेक्स लेंस, ये कॉन्वेक्स लेंस कहलाते हैं। इसके लिए एक पिक्चर और ड्रॉ कर लें ताकि आपको याद रहे कि एक रेंज को कन्वर्ज करता है, एक इकट्ठा करता है, तो लेंस की पिक्चर होगी। इसको कन्वर्जिंग लेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये रेंज को, ये इसका प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस हो गया, ये इसकी मिड डबल सेपरेशन लेयर होगी, स्फेरिकल सरफेस को सेपरेट करती है, ये इसका मिड पॉइंट हो गया, ऑप्टिकल सेंटर लेयर, ये रेंज को क्या करता है, सभी रेंज जो कि रे रूल भी आगे राइट करूंगा, कोई भी रे प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस से पैरेलल आती है, मान लीजिए ये रे पैरेलल आ रही है, ये आफ्टर रिफ्रेक्शन इधर से जाती है फोकस पॉइंट से, इधर से जाती है फोकस पॉइंट से, कुछ रे डाउनवर्ड से भी आप ले रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस से, तो एक तरह से ये क्या है एक पॉइंट की सभी रेज को इकट्ठा कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है, इसलिए इसको कन्वर्जिंग लेंस भी अपन कहेंगे, कन्वर्जिंग लेंस ठीक है। तो इसको कन्वर्जिंग लेंस क्यों कहते हैं, क्योंकि इसको कन्वर्ज करता है और साथ में मिड से ठीक होता है, एजेस से ठीक होता है, क्लियर है। नेक्स्ट लेंस आप राइट करेंगे कॉन्केव लेंस, कॉन्केव लेंस करने से पहले अपन कॉन्वेक्स लेंस की सब टाइप देख लें, कॉन्केव लेंस और उसकी डेफिनेशन और उसके सब टाइप से एक साथ देखेंगे। तो आप कॉन्वेक्स लेंस अपना टॉपिक, तो इसकी सब टाइप देख लेते हैं, सम सब टाइप कॉन्वेक्स लेंस, ये हेडिंग डाल देंगे आप। सबसे पहला सब टाइप राइट करेंगे डबल कॉन्वेक्स लेंस, डबल कॉन्वेक्स लेंस नाम से पता चल रहा है, जिसमें डबल लेयर दोनों ही किसकी हो, कॉन्वेक्स लेंस की हो, वो डबल कॉन्वेक्स लेंस होगा। तो डेफिनेशन राइट कर ले सबसे पहले, बोथ द सरफेस ऑफ कॉन्वेक्स, इसमें ऐसा लेंस जिसमें जो डबल स्फेरिकल सरफेस बाउंडेड होती है, वो दोनों की दोनों सरफेस जो बाउंडेड हैं वो दोनों की दोनों कैसी हो, कॉन्वेक्स हो, तो वो ऐसा लेंस है डबल कॉन्वेक्स लेंस है। देखिए इसकी पिक्चर ड्रॉ कर ले अपन, एक लेयर तो ये होगी, देखिए कॉन्वेक्स लेंस अपन ने ये वाला देखा था जो मिड से थिक था और एजेस से थिक था, ये कॉन्वेक्स था, ये कॉन्वेक्स था, और ये लेंस कॉन्केव था जो कि मिड से थिक था और एजेस से थिक था, कॉन्केव, ये अपन देख कर चुके हैं। अब देखिए पहला सब टाइप कॉन्वेक्स लेंस का, डबल कॉन्वेक्स लेंस जिसमें दोनों सरफेस कैसी हो, दोनों जो सरफेस है स्फेरिकल सरफेस बाउंडेड हैं वो कैसी है, कॉन्वेक्स। तो एक सरफेस तो मान लीजिए ये होगी, देखिए ड्रॉ कर रहा हूं, एक सरफेस ये ले ली इधर वाली, देखिए डबल स्फेरिकल सरफेस से बाउंडेड है, एक इधर वाली एक इधर वाली कॉन्वेक्स लेंस, तो एक सरफेस तो ये वाली ले ली और एक सरफेस ये वाले ले ली, तो ये पिक्चर ड्रॉ हो रही है, तो ये कॉन्वेक्स लेंस अपने आप में क्या है, डबल कॉन्वेक्स लेंस ही है। तो कॉन्वेक्स लेंस का पहला सब टाइप जिसमें दोनों सरफेस कैसी हो, कॉन्वेक्स हो, जैसे ये फर्स्ट सरफेस होगी, फर्स्ट सरफेस कॉन्वेक्स
ये सेकंड सरफेस होगी, सेकंड सरफेस ये भी कॉन्वेक्स है। सब देखो एक तरह से दो तो सरफेस अटैच करी बाउंडेड की है, दोनों सरफेस भी कैसी हैं कॉन्वेक्स है, तब देखो कुछ इस टाइप की पिक्चर मिलेगी। तो ये डबल कॉन्वेक्स लेंस है। नेक्स्ट है